बिहार में शराबबंदी के बाद शराब कारोबारियों को पकड़ने गई पुलिस पर लगातार हमले हो रहे हैं। ताज़ा मामला छपरा जिले के मसरक थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने दो शराब धंधेबाजों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन रास्ते में ही शराब कारोबारियों ने उन्हें बाइक से ओवरटेक कर रोक लिया। और जब तक एक पुलिसकर्मी उतर कर उनसे पूछताछ करता, तब तक शराब माफियाओं ने उस पुलिसकर्मी की रॉड और लाठी डंडे से जमकर धुनाई शुरू कर दी। यह देखकर उत्पाद विभाग की टीम गिरफ्तार धंधेबाजों को लेकर वहां से खिसक गई, जबकि एक पुलिसकर्मी शराब धंधेबाजों और माफियाओं के बीच में फंस गया, जिसकी जमकर कुटाई की गई। वहीं सूचना के बाद मसरक थाना की पुलिस गश्ती के दौरान वहां पहुंची और उस पुलिसकर्मी को बताया। जख्मी पुलिसकर्मी उत्पाद विभाग का राजीव कुमार बताए गए हैं, जिन्हें आनंद फानंद में मसरक थाना पुलिस के द्वारा स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर चिकित्सा के लिए छपरा सदर अस्पताल रेफर किया गया है। इस घटना के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शराब माफियाओं का कहर किस तरह जारी है। चाहे बिहार में शराबबंदी और बालूबंदी के बाद शराब माफिया हो या बालू माफिया, पुलिस अगर उनसे दो चार करने जाती है तो हमले हो रहे हैं और लगातार पुलिसकर्मी भी घायल हो रहे हैं। रिपोर्ट हलचल न्यूज़ 24 छपरा।